गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुपर सिटी एजुकेशन आपके चैनल पर करंट अफेयर्स की नई वीडियो लेकर के आज फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। 20th and 21st अक्टूबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि संडे था तो संडे हर बार ऑफ रहेगा आप लोग को मैं बता दूँ। और आज सेशन थोड़ा सा आने में देरी इसलिए इस वजह से हुई कि थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य खराब था, इस वजह से थोड़ी सी देर हो गई। ठीक है, तो बाकी अब आगे देर न करते हुए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। हमारा सेशन कैसा रहना आप लोग को पता है, पहले MCQs रहेंगे पिछले दिन के, मतलब सैटरडे वाले जो मैंने आप लोग को न्यूज़ फॉर्म में बताए थे। उसके बाद हम न्यूज़ लेके आए हैं, न्यूज़ दो दिन की थी और आज क्योंकि थोड़ी सी देर हो गई मुझे वीडियो बनाने में, इस वजह से अच्छा ही हुआ कि मैंने सारी न्यूज़ कवर कर ली। तो कम से कम 25 के करीब न्यूज़ हमारे पास आज हैं, जिसमें थोड़ा सा वक्त भी लगेगा। आराम से पूरे ध्यान से आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा अच्छी तरीके से। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। द मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च्ड इन, मैंने आप लोग को कल बताया था उस दिन, एक मिनट। हाँ, मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी एक ओपन हुई है। कहाँ पर ओपन हुई? वो यूएई में, ठीक है, यूएई में ओपन हुई है, जिसका नाम मैंने आज यहाँ पर दे दिया आपको। इससे आपका फ़ायदा होगा, आपको उसका नाम भी ऐसा पता चल गया, द मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, यूएई में शुरू हुई है। बाकी सारे नाम हम देखते हैं। अस्ताना के बारे में कुछ आप लोग जानते हैं, मैंने ऑप्शन यहाँ पर क्यों रखा है आप लोग को पता होगा, कजाकिस्तान की जो कैपिटल थी वो अस्ताना ही थी, जिसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया, नूर सुल्तान कर दिया गया। और कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? तेंगे, TENG, ठीक है। नेक्स्ट, यूए के आप लोग जानते हैं अबू धाबी दिरहम, यूएसए का वाशिंगटन डीसी पाउंड, सॉरी डॉलर, यूके का है आपका लंदन पाउंड स्टर्लिंग, और रशिया का है मॉस्को और रूबल उसकी करेंसी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड्रिगो दुर्तेते किस देश के राष्ट्रपति है? पिछली न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जिस दौरे पर गए जिन देशों के, उनमें से पहला दौरा जिनका शुरू हुआ फिलीपींस में शुरू हुआ, और वहाँ के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते हैं जिनसे उनकी मुलाकात हुई है, ठीक है। तो क्या फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला, मालदीव के माले, यहाँ की करेंसी रुफिया है, म्यांमार की नाइपीतियो आगे मैंने लिखा है, और उसकी करेंसी क्या है? थाईलैंड का आप लोगों को पता है बैंकॉक बहुत, और क्या कहते हैं बांग्लादेश का ढाका, करेंसी टका, ढाका टका ढाका, ऐसे इस तरीके से याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, डॉट 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 ने लड़कियों को सैनिक स्कूलों में वर्ष 2021-22 के लिए शैक्षणिक सत्र से प्रवेश देने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो ये सरकार जो कि बालिकाओं के लिए हर नए नए कदम हमेशा उठाती रही है, उस क्षेत्र में एक नया कदम भी उठाया गया, और इसे मंजूरी किसने दी? हमारे रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी कहाँ से, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश मैंने कल डिस्कस आप लोगों से किया था, आगे उस पर मैंने क्वेश्चन भी दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने पर निगरानी रखने वाली संस्था FATF, मैंने आप लोगों को बताया था कल, FATF जो ये ऐसी संस्था होती है जो उन कंट्रीज़ को शॉर्ट आउट करके मतलब बाहर निकालती है जो आतंकवादी गतिविधियों को प्रमोट करते हैं, उनको पैसा देकर और बढ़ाते हैं। तो उसमें 2020 तक अभी बना रहेगा, कौन सा देश बना रहेगा? पाकिस्तान बना रहेगा, ठीक है। सीरिया की राजधानी क्या है? दमस्कस, दमस्कस वहाँ की राजधानी है, और वहाँ करेंसी क्या चलती है? पाउंड चलती है। इराक की क्या है? बगदाद है, और वहाँ पर करेंसी जो चलती है वो दिनार चलती है, ठीक है। ईरान, तेहरान यहाँ की कैपिटल है, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, और पाकिस्तान का आप लोगों को पता ही है, अफगानिस्तान करेंसी आप अफगानी नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व प्रख्यात चित्रकार कालिदास कर्माकर, मैंने आप लोगों को बताया था कल, जो ऑबिचुरी होती है वो थोड़ा सा बस ध्यान दिया करिए, बस नज़र रखा करिए, याद करने की हर एक चीज़ जरूरत नहीं, बस हाँ ध्यान रखिए ताकि कल क्वेश्चन आए उसके आंसर आपके सामने अगर हों ऑब्जेक्टिव रूप में तो आप उस पर टिक कर लें, ठीक है। और आपको पता है जिस कंपटीशन के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ते आपके ध्यान में तुरंत क्या नाम आएगा? नेपाल, सॉरी बांग्लादेश, बांग्लादेश की करेंसी ढाका, करेंसी टका, ठीक है। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू, करेंसी यहाँ पर रुपया चलती है। भूटान की कैपिटल क्या होती है? थिम्पू, और यहाँ पर क्या वो करेंसी जो चलती है? नगुलत्रम चलती है। ओमान, मस्कट रियल, और इंडिया का तो आप लोग पता ही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, सॉरी मैंने आंसर ही पहले बोल दिया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 11 परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन, क्योंकि ऊर्जा की बात है तो पावर मिनिस्ट्री जो है इन्हीं के पास है। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। और अर्जुन मुंडा जी आप लोग जानते हैं घुंटी झारखंड से हैं, मैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। प्रकाश जावड़ेकर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है। मुख्तार अब्बास नकवी हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस आपको आप लोगों का 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड पोस्ट डे। बाकी इन चारों का अब क्या मनाया जाता है ये आप लोग के लिए होमवर्क होगा, आप ये सब हम लोगों को बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे न्यूज़ देख करके मत आप लोग अपने से भी कोशिश करेगा बताने की, क्योंकि अगली न्यूज़ में मैंने इसको ऐड किया है।
नरोडा एटॉमिक पावर स्टेशन, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, आप लोग जो मेरा पुराना सेशन देखें उनको पता होगा अच्छी तरीके से। किस स्टेट में सिचुएटेड है ये आप लोग बताओ, उत्तर प्रदेश में। नरोडा एटॉमिक पावर सेंटर, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीनों उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारी न्यूज़ पे शुरुआत करते हैं। ठीक है, न्यूज़ ज़्यादा है तो मैं एक मीडियम स्पीड से चलूँगा, 25 न्यूज़ है, बट बिल्कुल कंसंट्रेटेड होकर के आप लोग ध्यान से बस पढ़िए, कोई इशू नहीं है। अगर न्यूज़ ज़्यादा तो परेशान मत होइए, क्योंकि 2 दिन की खबर है और सारी न्यूज़ मैंने इकट्ठा करके दी है आपको। आप किसी भी चैनल पर कहीं पढ़ते हो वो अलग की चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूज़ रहेगी वो हर चैनल पर जितनी न्यूज़ नहीं होगी उससे अधिक ही रहेगी। ठीक है, सी पावर सेमिनार, जो सी पावर, सी मतलब ये समुद्र, सी पावर सेमिनार के 6 संस्करण का समापन कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। अभी कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, मैंने न्यूज़ नहीं दी थी, लेकिन समापन हुआ तो मैं उसकी न्यूज़ वो दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट फॉरन IMF चीफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है जिसने अभी भी भारत की GDP दर आप लोगों को एस्टिमेशन नया दिया है, वो क्या दिया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमको। पुरानी वाले सेशन मैंने बताया था, उसकी जो चीफ थी पुरानी वो क्रिस्टिना लगार्डे थी। ठीक है, पुरानी चीफ जो थी उनको क्या बना दिया, यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो कि EU यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत आता है उसके हेड के रूप में उनको नियुक्त कर दिया गया था। फॉर्मर चीफ ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज ऑल सेट टू रिप्लेस मारिया ड्रागी। इस समय फिलहाल करेंट में 1 नवंबर तक जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसके जो हेड रहेंगी कौन, मारियो ड्रैगी जी रहेंगी, लेकिन 1 नवंबर के बाद जो उसकी हेड हो जाएंगी वो क्रिस्टिना लगार्डे हो जाएंगी। ठीक है, ये क्रिस्टिना लगार्डे क्या थी, एक्स IMF चीफ थी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2019, इंडियंस बैक 21 मेडल्स। भारत जो एशियन जूनियर चैंपियनशिप चल रही बॉक्सिंग की 2019 की, उसमें भारत ने 21 मेडल लिए हैं, और जो कहाँ शुरू है, UAE के फुजैरा में, फुजैरा UAE के फुजैरा में, UAE की मैंने आप लोगों को बताई है वो क्या कहते हैं, कैपिटल अबू धाबी और करेंसी वहाँ की दिरहम। ठीक है, नेक्स्ट, उड़ीसा के कटक में व्यापारिक मेला बाली यात्रा का शुभारंभ हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि बाली यात्रा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया ये उत्सव, तो कहाँ मनाया गया, उड़ीसा में मनाया गया, उड़ीसा से ज़्यादा उत्सव मनाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने बांग्लादेश में एक सहायता शिविर का आयोजन किया। एक सहायता शिविर का आयोजन भारत सरकार ने किस देश में किया, अगर ये पूछा गया तो बांग्लादेश में किया गया। ये शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर आपको नजर आ रही है। ठीक है, बांग्लादेश ढाका करेंसी, सॉरी कैपिटल ढाका, करेंसी टका। नेक्स्ट, इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस जिसे जाना जाता है, स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत 2022 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे आज से कुछ साल पहले, काफ़ी साल पहले, उस समय से 2022 तक 75वीं वर्षगांठ जब हमारी पूरी जाएगी, उस मौके पर हम इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेंगे। एनर्जी की न्यूज आई है, गुजरात कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी अनूप कुमार सिंह जी हैं उनको NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आप लोग मुझे और कुछ बताएंगे, रॉ इनके भी अभी हाल ही में बने हैं, और इंडियन नेवी इनके भी अभी हाल ही में बने हैं, और आप लोग मुझे बताएंगे एक और, हाँ इंडियन कोस्ट गार्ड इसके भी हाल ही में बने, इन तीनों के चीफ जो अभी हाल ही में बने हैं उनके बारे में आप लोग मुझे बताएंगे, और IB के भी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन चारों के चीफ का नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द 62 ईयर ओल्ड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर विधान परिषद थी वो उसको भंग कर दिया गया, 116 मेंबर्स की जो विधान परिषद थी उसको भंग कर दिया। क्यों भंग किया गया आप लोगों को पता होगा, 73 के हट जाने के बाद जो वहाँ पर सब कुछ नए नए तरीके से शुरू हो गया, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वहाँ की जो पुरानी विधान परिषद थी उसको भंग कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो बुक है मास्टरमाइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम द चैम्पियंस माइंड, ये बुक किसकी है, हमारे भारत के महान स्वतंत्र खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, विश्वनाथन आनंद द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है, मास्टरमाइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम द चैम्पियंस माइंड। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय जनजाति केंद्रीय जनजाति मामलों जो ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या, मैंने आपको बताया खूंटी झारखंड। ठीक है, कि आदिवासी महिलाओं के लिए दूसरे चरण कार्यक्रम गोल लीडर के रूप में ऑनलाइन जाना की घोषणा की है। ठीक है, गोल कार्यक्रम की घोषणा किसने की है, केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने की। ठीक है, अर्जुन मुंडा की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, खूंटी झारखंड। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार कमांड ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2019 DANX 19 के दूसरे संस्करण का संचालन किया है, जो 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2019 से बड़े पैमाने पर संयुक्त सेवा अभ्यास है। ठीक है, ये डैंक्स 2019 एक्सरसाइज कहाँ शुरू हुई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह शुरू हुई है। ठीक है, 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक ही रहेगी, एडमिशन फिनिश हो चुकी है। पुरानी न्यूज़ थी, मैंने मुझे मिली तो मैंने आपको आपके सामने रख दी। भारतीय रेलवे मतलब IRCTC ये समझिएगा। ठीक है, आप लोग IRCTC ने 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक भारत और नेपाल
के बीच अपनी पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन, बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन चलाएगी। ठीक है, ये शुरू होनी 19 अक्टूबर से। बौद्ध सर्किट ट्रेन कौन चला रहा है? IRCTC चला रही है। ठीक है, नेक्स्ट। श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी वित्त पोषण पहरेदार FATF, जिसमें पाकिस्तान को अगर अभी तक रखा जाएगा उसी लिस्ट में, श्रीलंका को वहाँ से अब हटा दिया गया उस ग्रे लिस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट। श्रीलंका की राजधानी क्या? जयवर्धन बड़े कोटे। ठीक है, पीएम मोदी ने डिजिटल नेशन, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, डिजिटल है ये। पीएम मोदी ने डिजिटल नेशन शीर्षक से पुस्तक का विमोचन किया है। पीएम मोदी ने हाल ही में किस पुस्तक का विमोचन किया, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डिजिटल नेशन। ठीक है, अभिनेता TP राधामणि है नाम इनका, मलयालम और तमिल फिल्मों में जो काम करती थी, रविवार को चेन्नई में इनका निधन हो गया। हाल ही में ये इनकी मतलब मृत्यु हो गई। क्या थी? अभिनेता थी एक, TP राधामणि। किन किन मूवीज़ में? मलयालम और तमिल फिल्मों में। नेक्स्ट, 7वें CISM गेम्स का आरंभ चीन के वुहान में हुआ है। जो CISM मिलिट्री गेम्स, ये याद रखें, CISM मिलिट्री गेम्स जो 7th है, उसका शुभारंभ कहाँ हुआ? चीन के वुहान में हुआ है। नेक्स्ट, भारत ऊर्जा मंच ने नई दिल्ली में 11वें परमाणु ऊर्जा सम्मेलन NEC का आयोजन किया। इसका आयोजन कौन करेगा? क्योंकि ये एनर्जी की बात है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एटॉमिक एनर्जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पावर एनर्जी मिनिस्ट्री जो है इन्हीं के पास है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। जितेंद्र सिंह, 11वें परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन जितेंद्र सिंह ने किया है नई दिल्ली में। कई दिन से न्यूज़ चल रही थी कि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत ऑस्ट्रेलिया को बढ़ा करके फाइनल अभी आ चुका था, लेकिन मैं न्यूज़ देने जाता, मैं सोचा जब ये कब खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को ये न्यूज़ दूंगा। तो फिलहाल भारत को इसमें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सुल्तान जौहर सुल्तान कप के फाइनल में भारत ग्रेट ब्रिटेन से हार गया। ग्रेट ब्रिटेन ने इंडिया को हरा दिया है। ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट, UN की ये न्यूज़ थी। विश्व सांख्यिकी दिवस वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर को मनाया गया। 20 अक्टूबर कौन सा दिन मनाया गया? विश्व सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट, भारत म्यांमार नौसैनिक अभ्यास इमनेक्स, जो भारत म्यांमार का जो नौसैनिक अभ्यास क्या है, इमनेक्स है, 2019 का दूसरा संस्करण विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? YSR जगनमोहन रेड्डी। और उसके गवर्नर कौन है? मैंने आप लोगों को बताया था, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, म्यांमार की कैपिटल क्या है? नैपीत्यो। ठीक है, इसकी कैपिटल और करेंसी क्या है? क्या, पढ़ने में दिक्कत है जिसको ऐसे पढ़, नैपीत्यो। ठीक है, और करेंसी वहाँ क्या चलती है? एक्सरसाइज कौन शुरू हुई? इमनेक्स शुरू हुई इंडिया म्यांमार की। नेक्स्ट, बजाज अलियंस लाइफ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के भीतर iServe, ये ध्यान रखिएगा लोग, मैंने मनी कंट्रोल से न्यूज़ उठाई है। बजाज अलियंस लाइफ इंश्योरेंस ने लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के भीतर iServe की पहली तरह की वीडियो कॉलिंग सेवा शुरू करके डिजिटल व्यवधान की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। iServe किसने शुरू किया? बजाज अलियंस ने शुरू किया, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, वीडियो कॉलिंग सेवा ये। नेक्स्ट, देवयान शाह द्वारा विकसित 2.5 डिवाइस PM 2.5 डिवाइस को देवयान शाह ने मैकेनिकल इंजीनियर जो है बनाया है। इस तरह की डिवाइस बनाई है जो कि वाहन ये एयर पॉल्यूशन को कर मतलब कम करेगा, कंट्रोल करेगा। होगा यूज़ कैसे होगा कि जो वाहनों के साइलेंसर की पाइप के पास फिट हो जाएगा ताकि वाहनों के प्रदूषण को कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट, 2.5 डिवाइस किसने बनाई है? देवयान शाह ने बनाई, इतना ध्यान रखिएगा लोग। संडे 20 अक्टूबर को कौन सा दिन दिवस मनाया गया? वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट, मार्क हर्ड हु अंटिल लास्ट वाज द लास्ट मंथ वाज द को CEO ऑफ सॉफ्टवेयर जायंट ओरेकल। ओरेकल जो सॉफ्टवेयर जायंट कंपनी है उसके को CEO थे अभी पिछले महीने तक, मार्क हर्ड, उनका देहांत हो गया है। 62 ईयर्स एज के थे खाली। ठीक है, तो ये आप लोग मत रखिए, याद रखिएगा, इतने याद रखिएगा, मार्क हर्ड जो कि ओरेकल के को CEO थे उनका देहांत हो चुका है। डेज पेपर फिर हम लोग आज थे, कल मैंने पढ़ा था, आज ही मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि बार बार आप लोग सामने आते, याद रहे। 1 अक्टूबर हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, वर्ल्ड ओल्ड एज डेज। ठीक है, 2 अक्टूबर आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, 3 अक्टूबर कोई डेज नहीं था। 4 अक्टूबर को क्या था? विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड कैटल डे। ठीक है, 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड टीचर्स डे। और हम इंडिया का क्या मानते हैं? नेशनल टीचर्स डे का मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, 7 अक्टूबर क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे होता है। 63वां धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर जो मैंने न्यूज़ आप लोग को दी थी, वर्ल्ड हैबिटेट डे। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे। 12 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे। ठीक है, 13 अक्टूबर क्या? अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे। ठीक है, ये हो गया। और 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, रूरल वुमेन डे। और विश्व विद्यार्थी दिवस ये मनाया जाता है। ठीक है,
19 अक्टूबर को देखिए, थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे कर दिया है क्या, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई यहाँ पर, इसको अभी ये दोनों छोड़ दीजिएगा आप लोग। ये शायद 17 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे होगा, 19 अक्टूबर को क्या होगा, इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी होगा, बट फिर भी मैं इसको एक बार चेक करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, क्लियर कट। उत्तर प्रदेश के पास हम फिर आते हैं, कल ही मैंने आप लोग डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर रहा हूँ, एक स्टेट हम लोग दो दिन डिस्कस करेंगे तो बेहतर रहेगा याद करने के लिए, ठीक। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 में। कैपिटल क्या है यहाँ की, लखनऊ। किस नदी किनारे बसा है, गोमती नदी किनारे बसा है लखनऊ। से हमारे नेताजी कौन है, राजनाथ सिंह है, और वो इस समय क्या है भारत के वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, रक्षा मंत्री। यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। डिस्ट्रिक्ट कितनी है हमारे पास, 75। और हमारा जो डांस क्या है, कथक है, ठीक है। लोकसभा सीट हमारे पास कितनी है, 87, और राज्यसभा सीट 31 है। अलाहाबाद हाईकोर्ट जो हमारे यहाँ के जुडिशियल जुडिशरी है, उसके जो चीफ जस्टिस कौन है, गोविंद माथुर है, और ये क्या है, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर है, सॉरी चीफ जस्टिस, सॉरी, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी जानते हैं लोग। बॉर्डर सबसे ज़्यादा बॉर्डर यूनियन टेरिटरीज से जो राज्य अपनी सीमा साझा करता है वो कौन सा, उत्तर प्रदेश। आगे मैंने लिखा हुआ है, पढ़ लेते, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है। और कंट्री से नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है। द स्टेट विच शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टेट्स यूटीज़ ऑफ इंडिया। मैंने क्या बताया आप लोगों, सबसे अधिक नंबर्स में जो राज्य हैं और यूटीज़ हैं उनसे ये स्टेट अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। दुधवा नेशनल पार्क यहीं है, नरोरा एटॉमिक पावर सेंटर यहीं है, पावर स्टेशन, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व यहीं है, ठीक है। ये याद रखें, स्टेटिंग में आती हैं चीज़ें। जो लेजिस्लेचर यहाँ का बाई कैमरल है, मतलब ये समझिए जहाँ पर केवल अगर एक है लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहाँ पर वो यूनी कैमरल होता है, लेकिन अगर दोनों है, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो वहाँ पर वो बाई कैमरल होता है। तो उत्तर प्रदेश क्या है, बाई कैमरल, 404 सीटें विधानसभा की और 100 सीटें जो है विधान परिषद की, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा सेशन अब यहीं फिनिश होता है, थोड़ा सा बड़ा सेशन आज का रहा होगा, आप लोग आराम से पढ़िए, जो भी इशू रहे, जो भी दिक्कतें रहें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक, कल तक के लिए बाय, धन्यवाद।